अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास क्रोला GLI 2007 मॉडल। इसकी सबसे पहले मैं आपको लुक चेक कराऊंगा। ये गाड़ी के हमारे पास बैक से लुक आ जाएगी, उसके बाद मैं इसकी फ्रंट लुक की तरफ जाऊँगा। ये हमारे पास इसकी फ्रंट लुक आ गई। बाकी अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.3 इसका इंजन है, मैनुअल गाड़ी है। बाकी ये है कि बॉडी वाइज गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी अनटच गाड़ी है। न्यू रिम एंड टायर्स इसके इंस्टॉल किए रिसेंटली। इंटीरियर अगर इसको चेक करें तो मेरे कज़न हैं, इन्होंने बिल्कुल अपने शौक से तैयार की थी। इसमें एंड्रॉयड पैनल वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए। सीट्स वगैरह की कंडीशन बड़ी फिट किस्म की है। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। क्रोला 2002 से लेकर 2007 तक हमारे पास आई हैं ये गाड़ियाँ। इसमें XLI है, अल्टिस है और ये GLI है। इनकी सबसे जो अच्छी बात है हमारे पास वो ये है कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ये गाड़ियाँ ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास चलती रही। इंजन की हमारे पास वीडियो आ गई। अभी इंशाल्लाह थोड़े टाइम तक हम लोग आपको इसकी ड्राइव भी चेक करके बताएंगे। अच्छा, इसकी ड्राइव की हम लोग अगर बात करें तो बड़ी स्मूथ किस्म की ड्राइव है इसके अंदर। अगर आप बैठे हो तो आप बिल्कुल तंग नहीं होते, क्योंकि इसकी सस्पेंशन बहुत बेहतरीन है। इसकी सस्पेंशन ज़्यादा, अगर आप इसको किसी दूर इलाके में भी लेके जाएं तो ज़्यादा काम नहीं निकलती। इन गाड़ियों की यही खास बात है कि ये आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा लो है। दूसरा, इनके स्पेयर पार्ट्स आपको ईजिली हर जगह अवेलेबल हैं। जिस तरह अभी मैं मानसहरा में रहता हूँ, मानसहरा से कराची, मानसहरा से गिलगित, हुंजा, हर जगह पर ये गाड़ियाँ रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं। आपको ये गाड़ी तकरीबन 1 मिलियन टू 1.2.5 या 1.3 मिलियन तक आपको ये गाड़ी बड़ी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फैमिली यूज़ के लिए अगर एक बंदा गाड़ी रख रहा है तो 1.3 मिलियन तक ये एक अच्छी गाड़ी होम यूज़ के लिए। तो चलें अभी इसकी आपको कुछ आउटर लुक चेक करवाते हैं।